गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक ट्रे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, हम क्लास ट्वेल्थ का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके एग्जांपल करवाए थे और कुछ फॉर्मूले करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम इसके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव निकालना है। हमें कुछ टर्म दे रखी है, उनका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, नहीं ये पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। साइन 2x, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो देखो, हमें पता है एंटी डेरिवेटिव को कैसे इस सिंबल से डिनोट करते, किसका निकालना है, साइन 2x का निकालना है, ठीक है। तो हमें, मैंने बताया था साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कोस x। तो ये यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस 2x, और जो फिर इसके इंटू, और ये जो 2x है ना, इसका भी होगा, तो 2x का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2x का होगा 1/2, जो भी होगा ना वो इसके अपॉन में आएगा, प्लस c। अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x, ये 1/2 है, ये आगे आ जाएगा, प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया, देखो sin 2x का आया माइनस cos 2x, अभी 2x का भी करेंगे ना तो उसका आ जाएगा 1/2, और वो क्या होगा, ये cos 2x के अपॉन में आएगा, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हमसे ये पूछ लेता कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन 2x का होता है कोस 2x, और 2x का फिर से करते तो वो इसके इनटू में आ जाता, उसका क्या हो जाता, 2 कोस 2x हो जाता। लेकिन अभी इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा इसके, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कोस 3x, हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो वही, पहले कोस 3x, यहाँ पे कोस 3x है, कोस x का क्या होता था, साइन x, तो कोस 3x का क्या आ जाएगा, साइन 3x, और 3x का करेंगे तो 3x का क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x प्लस c, ठीक है। वही देखो, कोस 3x का क्या है, साइन 3x, साइन अब 3x का करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 को हम पहले ले आएंगे, 1/3 साइन 3x प्लस c हो जाएगा। इसको इतना छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर ये कि इसको मतलब प्रॉपर वे में लिख देते हैं, तो 1/3 पहले आ जाएगा, साइन 3x ये प्लस c, ओके। c हमने पढ़ा था पीछे कि इसी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, e की पावर 2x। तो देखो, e की पावर 2x, e की पावर x का क्या होता था, मैंने बताया था, e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम ही रहता है, तो e की पावर 2x का एज इट इज e की पावर 2x रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे e की पावर 2x है, तो पावर अगर x होती ना तो x का 1 होता है, 2x आ गया ना, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2x का ऐसे देखो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो 2 इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, 2 1 एक्स की पावर 0, मतलब देखो 2x, तो 2 इसके x की पावर 1 है, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 1x 0, ये इंटू है, तो x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ से 2 ही बच जाता है। तो अगर डिफरेंशिएशन करते ना तो इंटू में 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x ही रहेगा। अभी ऊपर पावर है ना, उसका भी देखते, अगर x होता ना तो सेम यही रह जाता, अभी e की पावर 2x आ गया, तो 2x का भी करेंगे तो 2x का करेंगे तो क्या बच जाता है, 2 बच जाता है, वो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है,
ई एक्स प्लस बी की पावर 2, ये है ठीक है। तो देखो यहां पे ना ए एक्स प्लस बी की पावर 2 है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू डी एक्स, तो ये है पूरा एक, ये एक टर्म है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे अगर एक्स भी होता ना तो हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, सिर्फ एक्स ए के साथ है, तो हम इसको सीधी ए की टर्म मानते हैं ठीक है। तो ए एक्स क्या करेंगे, पहले पावर में 1 ऐड हो जाती है और अपॉन में भी वही चला जाता है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी 2+1 बाई 2+1 प्लस सी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक होने के बाद ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3 बच गया। अभी ना ये देखो हमने पावर का तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो ए एक्स है ना, एक्स अगर सिंगल होता ना एक्स तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी एक्स के साथ कॉन्स्टेंट क्या आ गया ए, तो ए एक्स का भी करेंगे ठीक है। यहाँ पे बी है, बी कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक्स के टर्म वाले का करना है। तो देखो एक्स का करेंगे ना तो क्या बच जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाता है, ए का ए ही बचेगा, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, एक्स का 1 हो गया तो एक्स के साथ क्या बच गया ये ए, तो इसका क्या बच गया ए, तो इनटू में ए आ जाएगा प्लस सी, तो ये आ गया इसका एंटी डेरिवेटिव ठीक है। क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3a प्लस सी हो गया ठीक है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रखा है, साइन टू एक्स माइनस 4e की पावर 3x ओके। तो देखो साइन टू एक्स 4e की पावर 3x, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो अभी हम इनका करते हैं, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x ये हो गया। अभी इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, तो पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, साइन 2x dx हो गया माइनस 4e की पावर 3x dx हो गया ठीक है। तो साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का होता है माइनस कोस 2x, लेकिन अभी यहाँ पे 2x आ गया तो 2x का भी करेंगे, तो 2x का क्या आ जाएगा 2 ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, माइनस 4e की पावर 3x का 4e की पावर 3x ही रहेगा, e की पावर 3x है तो 4e की पावर 3x का यही रहेगा, अभी क्या है इसकी जो पावर है उसका करेंगे तो 3x का क्या बच जाएगा 3 और ये प्लस सी हो गया, तो ये आ गया इसका आंसर ओके। अभी हम इसकी यहाँ तक हो गए, अभी आगे इसने क्या बता रखा, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन 6-20। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है और उससे लेके 20 तक हमें इंटीग्रल्स निकालने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रखा है, 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डीएक्स ये बता रखा है, तो ऐसे ना प्लस में दे रखा हो तो पहले तो हम उनको अलग अलग करते हैं, तो इनको करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4e की पावर 3x इंटू डीएक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 का करेंगे तो अलग, ये 1 और डीएक्स ठीक है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो 4e की पावर 3x है तो 4e की पावर 3x एज इट इज e की पावर x होती है, उसका क्या रहता है e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर 3x है तो ये क्या रह जाएगा सेम ये का ये रह जाएगा, अभी 3x है उसका भी करेंगे हम, अगर यहाँ पे x होता ना सिर्फ सिंपल e की पावर x होता तो हम उसका e की पावर x क्यों ही रखते हैं, क्योंकि x का करके देखो x का करते हैं, x की पावर है 1, 1 को नीचे ले आएंगे, x की पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 क्या होती है 1 ही रहती है, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा 1 बचा, तो e की पावर x अपॉन 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी e की पावर क्या आ गई 3x आ गई, तो e की पावर 3x का करते हैं, 3x है
थ्री एक्स की पावर वन, कुछ भी नहीं होता तो वन होता है, वन को नीचे ले आते हैं। एस थ्री को एक साइड रख लो, ये कॉन्स्टेंट है, हमें सिर्फ एक्स का करना है। वन एक्स की पावर वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये फिर वन हो गया। अभी थ्री की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, फिर थ्री की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बच गया, थ्री बच गया। ओके अभी देखो, वन मैंने बताया था अगर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो जीरो हो जाता, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसके साथ है ना जिस टर्म में पूछ रखा है ना वही हो जाएगा। यहाँ पे dx में पूछ रखा है तो वन का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अगर यहाँ पे टू होता तो टू एक्स हो जाता, थ्री होता तो थ्री एक्स हो जाता, फोर होता तो फोर एक्स हो जाता, और प्लस c हमेशा लगाना है क्योंकि c यहाँ पे बहुत जरूरी है। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन में सारा सॉल्यूशन करने के बाद प्लस सी जरूर लगेगा। ओके ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, एक्स स्क्वायर वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनमें हमें पहले ना एक फॉर्म बनानी पड़ती है इसकी। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये आ गया इनटू मल्टीप्लाई में, ये अगर डिफरेंशिएशन होता ना तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो हम यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको एक है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो एक्स स्क्वेयर की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, फिर उनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सीधा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पहले देखो इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर की वन के साथ मल्टीप्लाई हुई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की इस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वेयर, और ये डी एक्स। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, अभी क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू डी एक्स। अभी इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स हो गया, ये माइनस ये वन और डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अभी देखो एक्स स्क्वेयर का करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन का क्या हो जाएगा, अगर वन है तो एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो गया। अभी इसको हम एक्स की पावर थ्री बाई थ्री माइनस एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री। ओके अभी इसका क्वेश्चन नंबर एट। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, हम इन तीनों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो ये ए एक्स स्क्वेयर है, ए बी सी क्या है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर एक्स आगे इसमें कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा। तो देखो ए एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, ए एक्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस बी एक्स की पावर वन है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस सी है। तो सी मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे वन डी एक्स था तो एक्स हो जाता, टू डी एक्स था तो टू एक्स हो जाता, थ्री डी एक्स हो जाता तो थ्री एक्स हो जाता, यहाँ पे सी आ गया तो ये क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी यहाँ पे भी आ गया तो इस सी को हम सी वन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी पहले आ गया इसीलिए प्लस सी वन ले लेते हैं। ये सी वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अभी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस बी एक्स की पावर टू बाई टू प्लस सी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, तो ये इनके पावर को ऐड करके हमने लिख दिया, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एक्स की पावर टू, टू एक्स की पावर टू प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स,
ये है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा अलग अलग करके लिखना है, 2x की पावर 2 dx प्लस e की पावर x dx, ये है। तो 2x की पावर 2 है, इसका करते हैं 2x, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। तो यहाँ से 2x की पावर 3 बाई 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 2x की पावर 3 बाई 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है।